नमस्कार, मैं मुस्कान, आप देख रहे हैं न्यूज विंग टीवी। राजधानी रांची में कल रात से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और वहीं कई राज्यों में मौसम विभाग ने 13 फरवरी और 14 फरवरी को अलर्ट भी जारी किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, मौसम में बदलाव ये जो देखा जा रहा है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखा जा रहा है और कई जिलों में अलर्ट जारी करके भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है और ये बारिश दो दिनों तक, मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि बारिश दो दिनों तक ऐसा रहेगी और 17 फरवरी से जो है मौसम साफ हो जाएगा। तो इसको लेकर आइए हमारी रिपोर्ट में सुनिए कि मौसम विभाग का क्या कहना है। 13 तारीख में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, खासकर जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं, पलामू संभाग के भाग हैं, वहाँ पे गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार, वहाँ पे आपको 13 तारीख में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। और गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा, यहाँ पे भी हल्की ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। गर्जन वज्रपात आपको देखने को मिलेंगे बारिश साथ में, 13-14 में आपको गर्जन वज्रपात भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से ये जो मौसम में बदलाव है इसका असर 15 तारीख तक रहेगा और 16 तारीख से आसमान फिर से आपको साफ दिखने लगेगा और जो मौसम है वो शुष्क हो जाएगा। और तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान, क्योंकि बादल आ ही रहे थे और न्यूनतम तापमान बढ़ा ही हुआ है, तो इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 13 और 14 में क्योंकि दिन में भी बादल रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना है, तो दिन का जो तापमान है उसमें आपको थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, थोड़ी ठंडक दिन में भी आपको फील होगी। तो जैसा कि आपने सुना, मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी तक बारिश के रहने के आसार है और उसके साथ ही 17 फरवरी तक मौसम में सुधार देखा जाएगा और भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और ऐसे ही आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज विंग टीवी। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान हूं।